लेकिन इस मुश्किलों का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, लीडिंग एग्जाम्पल सर अभी श्रीलंका से आ रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का इंटरनेशनल इंपैक्ट हुआ है, बड़ी खबर। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर कि श्रीलंका की संसद में चर्चा हुई है, श्रीलंका की संसद में उठे कोलंबो पोर्ट सिटी का मुद्दा। मैं चाहूंगा विवेक का जो वॉक थ्रू हमने चलाया था वो बगल में दिखाएं। विपक्ष के कई सांसदों ने टीवी 9 की खबर का जिक्र किया, पोर्ट सिटी पर विपक्ष की व्हाइट पेपर जारी करने की मांग है। कल टीवी 9 ने दिखाई थी चीन की पोर्ट सिटी की खबर, एग्जैक्टली ये खबर थी जो विवेक वाजपेयी हमारे सहयोगी की थी, जिस पर अब चर्चा बढ़ गई है। और मैं चाहूंगा यहां पर विवेक के पास जाने के लिए, आप पहले तो एग्जाम्पलरी आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, इट्स रियली ब्रिलियंट, लेकिन ये बताइए मुझे कि अभी हो क्या रहा है। निशांत, श्रीलंका की संसद में बवाल हो रहा है और बवाल उस क्लिप को लेकर हो रहा है जो टीवी 9 भारतवर्ष ने कल दिखाई थी कि कैसे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में चीन पोर्ट सिटी बनाने के नाम पे कब्जा करने की कोशिश में है। और अब श्रीलंका वालों को ये लगने लगा है कि हम्बनटोटा जो पोर्ट था जिसको 99 साल की लीज पर चीन ने लिया केवल इसलिए कि श्रीलंका चीन को वापस ब्याज देने की स्थिति में नहीं था। श्रीलंका के कई सांसदों ने टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का जिक्र किया, जबरदस्त हंगामा हुआ। और जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जो LOP हैं साजिद प्रेमदासा, उनकी तरफ से ये सरकार से मांग की गई है कि विपक्ष का और सरकार के जो सांसद हैं उनका ज्वाइंट डेलीगेशन उस चाइनीज जो पोर्ट सिटी कोलंबो में बना रहा है वहां का विजिट करे। और मैं बड़ा हैरान हूं कि मैं जिस जगह पर कल पहुंच गया वहां पर यहां के सांसद, यहां के अपोजिशन के लीडर को पहुंचने की निशांत इजाजत नहीं थी। वो सारी खबर यहां पर सोशल मीडिया से लेके बाकी जगह पे वायरल है। कई सारे आज मेरी कई सारे श्रीलंका के जो जर्नलिस्ट थे जो अलग अलग इलाकों में पार्लियामेंट को कवर कर रहे थे या कुछ और जगह कवर कर रहे थे, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी तारीफ की, टीवी 9 भारतवर्ष की तारीफ की कि आपने वो दिखाया है। मुझे एक चीज समझाएं विवेक, अभी वहां पर ग्राउंड रियलिटीज क्या है, प्रदर्शन का क्या स्टेटस है, क्या हाल है स्टेट के अभी? प्रदर्शन निशान पूरे श्रीलंका में चल रहे हैं, श्रीलंका के हर कोने में प्रदर्शन चल रहे हैं। और जिस वजह से चल रहे हैं वो वजह मैं चाहता था कि आपको दिखाऊं। मैं कोलंबो से करीब 90 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में हूं और एक सब्जी मंडी है वहां पे आपको ये दिखाना चाहता हूं कि महंगाई यहां पे किस हद तक हावी है। पॉइंट टेकन विवेक, मैं आपको रोकूंगा, लेकिन बड़ी खबर एक और विवेक की कवरेज आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।